स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ममता दीदी ने बंगाल को धोखा दिया है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासत और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोलकाता की चुनावी सभा में मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार की रात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले दो चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नंदीग्राम से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी से आए दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अब नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का भी नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने पहली सूची में 7 महिलाओं को जगह दी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी तो तमिलनाडु चुनाव को लेकर अमित शाह मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। इसी के तहत वे मिशन बीजेपी के लिए कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प महासंपर्क अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अमित शाह ने घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट भी मांगे, वहीं लोगों से सीधा संपर्क भी किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान शाह ने विक्ट्री सिंबल भी दिखाया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। वहीं सांसद गिरिराज सिंह के इस विवादित बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में सरकार चल रही है या महाजंगल राज चल रहा है। पटना में किसान पैलेस स्थित ठाकुर प्रसाद सभागार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 19 लाख रोजगार को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र 19 लाख रोजगार के अवसर देने का जो संकल्प लिया था, हम उसको लागू कराने के लिए पूरा प्रयास और उसकी रूपरेखा कैसे करेंगे, इसकी एक विस्तृत चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। बिहार सरकार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पहला वादा किया था ये कोरोना का। बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। ढाका के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर अब जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने पलटवार किया है। शालिनी मिश्रा ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा, क्योंकि नीतीश मॉडल शालीनता और कानून के साथ चलता है। बता दें कि बीते दिनों ही बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने बयान देते हुए कहा था कि यूपी के सीएम योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी गाड़ियों को पलटने की जरूरत है, तभी अपराध पर काबू पाया जा सकता है। मेरा कहना है कि बिहार में सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल चलता है, नीतीश मॉडल चलता है, और कोई मॉडल नहीं चलता है जो है शालीनता के साथ
आगे बढ़ना, पूरे नियम कानून के तहत आगे बढ़ना, बस वही मॉडल चलता है मेरे अनुसार तो नीतीश मॉडल ही। पटना के मंदिरी स्थित जाप कार्यालय में पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का आग्रह किया। वहीं विपक्ष को पप्पू यादव ने सदन में मुकेश सहनी का मामला उठाने के बजाय शराब माफियाओं, बालू माफियाओं और रुपेश हत्याकांड जैसे मुद्दों को उठाने की नसीहत दी। बड़ी करबद्ध आग्रह करूंगा कि इस बिहार को बचाइए, और विपक्ष से आग्रह करेंगे कि शराब माफिया, बालू और शराब पर बोलने के पहले अपना अपना ब्लड जांच करा लीजिए। और खास तौर पर मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के सारे नेताओं से कि अपना अपना ब्लड जरूर जांच कराइए कि शराब कितने दिन पहले पिए हैं और कितना। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मंत्री और विधायक की तर्ज पर अब पंचायत के प्रतिनिधियों यानी मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल 31 मार्च तक देना होगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जो सरकार के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीमार बच्चा और ऑक्सीजन का सिलेंडर थामे एक महिला और युवक पूरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल के किसी स्टाफ ने ना तो उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध कराया ना उनकी कोई मदद की। बताया जा रहा है कि पीड़ित मोरवा प्रखंड के अस्पताल से बच्चे का इलाज कराने आए थे। इस दौरान मोरवा अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा देने की जगह सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। समस्तीपुर के मुसरी घगरारी थाना क्षेत्र के विशंभरपुर एलौथ में राष्ट्रीय रोजगार स्वराज अभियान के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिलाधिकारी को पीड़ित युवकों ने ज्ञापन देकर कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। ठगी का शिकार हुए युवकों ने बताया कि राष्ट्रीय रोजगार स्वराज अभियान के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया और करीब 52 लोगों को चयन सर्वे का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनसे रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू और ट्रेनिंग के नाम पर प्रति अभ्यर्थियों से 15-20 हजार रुपए लिए गए। हम लोग यहाँ जिला समाधान महोदय से मिलने आए हैं। हम लोग के साथ नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी किया गया है। हम लोग कुछ 14 दिसंबर 2020 से एक संस्था में काम कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोग को राष्ट्रीय रोजगार स्वराज अभियान बताया गया, और यह बताया गया कि यह भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है MSME के द्वारा, और इसमें हम लोग को सर्वे का वर्क दिया गया था, जिसका ट्रेनिंग हम लोग को बताया गया कि आप लोगों का 2 महीने का ट्रेनिंग है, आप इस ट्रेनिंग को पूरा कीजिए, उसके बाद आप लोगों को सभी को ब्लॉक में, समस्तीपुर के विभिन्न ब्लॉक में। किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है, प्यार ना तो जात देखता है और ना ही धर्म। कुछ ऐसा ही नजारा बेगूसराय जिले में देखने को मिला, जहां मजहब की दीवार तोड़कर एक प्रेमी युगल ने शादी रचाई। प्रेमी युगल ने नौलखा मंदिर परिसर में रीति रिवाज के साथ शादी की। इस दौरान लड़के के परिवार वाले भी शादी में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग की सादिया परवीन का बेगूसराय के निपानिया गांव के सोहन कुमार दास से 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब 2 साल पहले सोहन हजारीबाग में एक कंपनी में काम करने के दौरान रह रहे थे। नालंदा जिले के दीपन नगर में थाना क्षेत्र के कुंडलपुर गांव में अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पति चितरंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चितरंजन सिंह अपने मोटरसाइकिल से सिलाव की ओर जा रहे थे, इसी दौरान हथियार से लैस अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि चितरंजन सिंह की छवि भी आपराधिक थी और उन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली मैंने लगी है
तो हम लोग मैंने सभी परिवार वहाँ से आए हैं, मगर यहाँ पर तो मैंने अपना अति दम तोड़ चुका था। बिहार सिर्फ आए थे काम से, ये वार्ड पार्षद हैं इनका पत्नी, वार्ड नंबर 4 का प्रतिनिधित्व करते हैं ही रंजन सिंह। ये लौट रहे थे ये, हाँ ये अपना घर लौट रहे थे कुछ काम से आए।